हमारा 3 है और ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास होने जा रही है। चैप्टर नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ी थी। भाई साहब आप बताइएगा इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? नहीं, वो पीछे व्हाइट शलवार कमीज, बैठ के बताइए, बैठ के। ठीक है, वो कब अच्छी ले पाएंगे? हाँ, जब इनकम ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बन जाती है, अगर इनकम ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो, तो हम जिस चीज को छोड़ देते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, ये समझ के कि इससे बेहतर अब खरीद सकते हैं, वो हमारे लिए जो चीज छोड़ दी जाती है वो क्या कहलाती है? इंफीरियर। और जिस चीज को खरीद लिया जाता है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। गिफन गुड क्या होते हैं? नहीं, खामोश रहिएगा। कैसे, कौन सी खाने की चीजें होती हैं जिसमें? और मैंने ये डेफिनेशन तो नहीं बताई थी, आप बताइए। ये इसमें पिछले 2 साल से मसला है जी, आप बताइए। नहीं, आप ही हैं जी। मैंने ये तो नहीं बताया था, क्या पढ़ के आए हैं फिर आप लोग जी? जो मैंने डेफिनेशन बताई थी मुझे वो बताइए, ठीक है? मैं इतना आवाज ही नहीं आ रही है, वहां से क्या करूं, रहने दें, मैं ऐसे ही बोल लेता हूँ। ठीक है, बंद कर दें इसको, डिस्टॉर्शन खत्म हो इसमें से, इसको ठीक करवा दीजिएगा आज फिर जी। भाई मैंने कहा था ऐसी चीजें जिनके बगैर हम जिंदा ना रह सकें, अब वो सारी चीज़ें जिनके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता वो गिफन होंगी। उसके अलावा खाने पीने की बेशुमार चीज़ें होती हैं लेकिन वो गिफन नहीं कहलाती हैं, समझ आई बात की? इसको नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेसिटीज़ ऑफ। आप लोगों का क्लास में ध्यान नहीं है या मेरी बातों पर ध्यान नहीं है? मैंने आते ही कहा था कि मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए जो नहीं आ रहा। आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपके सामने रिजल्ट है। आई कैप का क्या रिजल्ट है? 58% आई थिंक। तो बस फिर वो 42% भी तो है ना। मैंने इसी वजह से क्लास में पहले दिन कहा था कि बी सीरियस, अगर लाहौर आ गए हो, हॉस्टल में मुश्किलात वाली जिंदगी गुजार रहे हो, तो भाई सब सीरियस होके पढ़ो, इस तरह करोगे तो कुछ भी नहीं होना। चलें, बाहर हाल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले या बाद में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी मैंने नहीं पढ़ाए थे, नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, चलें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था, मेरी बातों को ना गौर से सुन लिया करो और उसी के ऊपर, उसी की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये आपके सामने है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बस यूं समझ लो, ऐसा गुड जो किसी दूसरे गुड के साथ मिलके इस्तेमाल हो, ऐसा गुड जो किसी दूसरे गुड के साथ मिलके इस्तेमाल हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। जैसा कि पेट्रोल और कार, एसी और इलेक्ट्रिसिटी। क्या एसी को इलेक्ट्रिसिटी के बगैर यूज कर सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश को यूज कर सकते हो टूथ पेस्ट के बगैर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज़ चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। शू ब्रश और शू पॉलिश, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कोको कोला और पेप्सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? नो, ये सब्स्टिट्यूट है। ये क्या है? अब यहीं से एक और चीज़ निकले कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड, ऐसे गुड, अगर एक गुड मेरे पास अवेलेबल नहीं है उसकी जगह पे मैं कुछ और इस्तेमाल कर लूं और फायदा सेम हो। दोबारा सुनिएगा,
एक ऐसा गुड जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे मैं कुछ और गुड इस्तेमाल कर लूं और फायदा मुझे सेम हो, वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट। बात याद रहेगी? स्टिंग और कोक क्या है आपस में? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, शवारमा और बिरयानी सब्स्टिट्यूट ही कह लो एक तरह से। चावल और चिकन बिरयानी के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। समझ आ गई बात की? बस इतना ही है इसमें। इन्हीं बातों को याद रखो तो वैसे नहीं, घर जाके एक दफा पढ़ना ही है आपने, और कुछ नहीं करना। फिर इसका मतलब ये 5 तक सारे हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। कुछ क्वेश्चन इसमें से हो किसी का, कि समझ ना आई हो घर जाके जब पढ़ाओ इनको, तो ये सारी चीजों को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले पोर्शन को। इसमें वही वही पोटेंशियल पाया जाता है जो इंफीरियर गुड में पाया जाता है। जैसा कि आप रिच होते जाते हो तो हो सकता है आप रोटी कम खाओ, ब्रेड ज्यादा खाना शुरू कर दो, कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा खाना शुरू कर दो, हो सकता है ना ये भी। तो ये इस सेंस में लिखा होगा। और कोई क्वेश्चन? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे हमारे सामने पब्लिक गुड। पब्लिक गुड नॉर्मली वो गुड होता है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमें कौन से गुड्स प्रोवाइड करती है? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, कम्युनिटी पार्क्स और सिक्योरिटी और जस्टिस, यानी कि कोर्ट्स वगैरह। और ये तो सर्विसेज होगी ना, गुड्स की भी बात कर लेते हैं। रोड गुड है और इलेक्ट्रिसिटी गुड है, ठीक है, और गैस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पब्लिक गुड फ्री में हो, जरूरी नहीं है कि पब्लिक गुड फ्री में हो। समझ आ गई बात की? पब्लिक गुड ऐसा गुड जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन पब्लिक गुड की एक खासियत होती है। वो खासियत क्या है? इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक नॉन राइवलरी, दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। एक क्या होती है? नॉन राइवलरी, और दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। सभी नॉन राइवलरी को अंडरलाइन करें, ये जो नॉन राइवलरी है इसको अंडरलाइन कर लें, और जैसे मैं उर्दू में बताने लगा हूं वैसे याद रखिएगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो आज फर्स्ट डे क्लास में आ रहे हैं? ठीक है, आप तो आ रहे हो डेली क्लास में। अच्छा, फर्स्ट डे से, ठीक है। नॉन राइवलरी का मतलब क्या होता है? बात को गौर से सुनिएगा। अंडरलाइन ऐसे बस करना था, आप उसके अंदर ही घुस गए हैं किताब में। मैंने एक चीज इस्तेमाल की और वो चीज आपके लिए खत्म हो गई, इसे कहेंगे राइवलरी। मैंने एक चीज इस्तेमाल की और वो आपके लिए खत्म हो गई, इसे क्या कहेंगे? राइवलरी। गवर्नमेंट जितनी भी चीजें प्रोवाइड करती है, क्या वो आपके इस्तेमाल करने से मेरे लिए खत्म हो जाएंगी? आपके रोड पे चलने से मेरे लिए रोड खत्म हो जाएगा? कोई रोड पे अपनी गाड़ी या बाइक या वैसे ही खड़ा हो जाए रोड के दरमियान में, तो लोग क्या कहेंगे? तेरे प्योदा रोड है गए, यही कहेंगे ना। ऐसे ही है, साइड से होके चल, यही कहेंगे। तो नॉन राइवलरी का मतलब आपके इस्तेमाल करने से मेरे लिए चीज वो खत्म नहीं हो रही, उसको क्या कहेंगे? नॉन राइवलरी। बात याद रहेगी? इसको घोट के पी जाना इस बात को। पब्लिक गुड की एक खासियत है कि वो नॉन राइवलरस होता है। क्या होता है? नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब क्या होगा? आपके इस्तेमाल करने से या मेरे इस्तेमाल करने से दूसरे कंज्यूमर के लिए कमी वाकया नहीं होती। बात समझ में आ गई? जैसे आपके घर में खाना पका हुआ है, अगर मैं जाके खा लूंगा तो आपके लिए खत्म हो जाएगा, तो राइवलर हुआ ना, तो वो पब्लिक गुड तो ना हुआ। कि पब्लिक गुड हुआ? नहीं ना हुआ। फिर उसके बाद है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। क्या पब्लिक गुड इस्तेमाल करने से आप मुझे रोक सकते हो? नहीं ना रोक सकते, उसे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि मैं आपके घर का दरवाजा नॉक करके अंदर जाता हूं, आप इजाजत दोगे तो मैं अंदर घुस सकूंगा? कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट इदारों में जाते हुए किसी से इजाजत मांगी है कि
क्योंकि वो सबके लिए ओपन होते हैं। समझ आई बात की जी? मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं प्रोवाइड, लेकिन वो बहुत पैसा लगेगा फिर प्राइवेट लोगों का। ऑक्सीजन ये तो फ्री गुड है, गॉड मेड है ना, कर दे बंद, लगा लीजिए। तो क्या हमें पब्लिक गुड की समझ आ गई? इसी के अगेंस्ट हम कर लेते हैं प्राइवेट गुड, बिल्कुल इसी के उलट। क्या करते हैं? प्राइवेट गुड, वो नीचे लिखा हुआ है। तो क्या होगा प्राइवेट गुड? ऐसा गुड जो राइवलरी हो और एक्सक्लूडेबिलिटी हो। ऐसा ही है, जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो मैं जाके आपसे पकड़ के पीना शुरू कर दूं तो आप मुझे रोक सकते हो? हाँ यार, आपने खरीदी हुई है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कभी हुआ आज तक आपने कोई चीज खा रहे हो कि दूसरा बंदा आके खा ले? दोस्त नहीं यार, दूसरा बंदा। ठीक है, दोस्त तो चोरी करके भी चीजें खा जाता है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा, ऐसे तो नहीं होता ना। आपके घर में कोई भी घुस दे ऐसा होगा? एक्सक्लूडेबिलिटी है भाई, जिसको इजाजत देते हो सिर्फ वही जा सकते हैं। आपके बेड पे कोई भी जाके सो जाए, हो सकता है ऐसे? हाँ, कोई गली का कुत्ता, हमारा स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, सर देखें कितना अच्छा लग रहा है बेड पे सोया हुआ, कभी ऐसा हुआ है? तो फिर प्राइवेट गुड्स में हमेशा एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। प्राइवेट गुड्स स्कार्स होते हैं, आप उनको पैसे देके खरीदते हो और फिर सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखते हो, या जिसको आप चाहो इस्तेमाल करने देते हो, ये आपके इख्तियार में है। बात समझ आ गई सभी को? तो पब्लिक गुड क्या हुआ? ऐसा गुड जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हमारे यूज करने से किसी के लिए वो खत्म नहीं होगा और हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल का मतलब निकाल देना होता है, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। और राइवलरी का मतलब क्या होता है? हम किसी, हमारे इस्तेमाल से कोई ख़त्म नहीं होगा। और इसी के वॉइस वर्ड्स आप प्राइवेट गुड कर लें तो वो क्या होगा? वो राइवलरी भी और एक्सक्लूडेबल भी है। गवर्नमेंट क्यों रोकेगी? अगर एक रोड उसने बनाया, वो इमरान खान का जलसा हो, धरना हो, फिर रोकते हैं, या इमरान खान की गवर्नमेंट रोकती है अगर नवाज शरीफ लोगों का धरना जलसा हो, या कैंट में आर्मी रोकती है जाने से, लाइट्स वगैरह। हाँ, वो तो शॉर्टफॉल हो जाता है ना, गवर्नमेंट मना तो नहीं करती, वो शॉर्ट, अब गवर्नमेंट के पास चीज ही खत्म हो गई है क्योंकि करप्शन की वजह से वो कर नहीं पाई चीजें। ठीक है, कोई एग्जांपल दें। नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर सब्सिडाइज्ड स्कीम होती है, वो पब्लिक गुड थोड़ी ना है, वो तो गुड बेच रहे हैं प्राइवेट की तरह, कि जो डिजर्व करता है वो आके आईडी कार्ड पे अपना आटा ले ले, दैट्स इट। वो सभी लोगों के लिए थोड़ी ना थी। रोड्स की बात कर लें आप, रोड पे अमीर भी इंसान चल सकता है और गरीब भी चल सकता है। मस्जिद की बात कर लें, मस्जिद में कोई भी जा सकता है, ठीक है, इसी वजह से मस्जिद प्राइवेट लोग बनवा के लेकिन गवर्नमेंट के अंडर कर देते हैं। समझ आ गई बात की? ये जो साफ पानी स्कीम है, ये भी पब्लिक गुड में आएगा। आप पानी पी सकते हैं, वो रोकेंगे नहीं आपको कि तुम कौन हो, वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, और क्या होता है, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो। पूछा कभी किसी डॉक्टर ने? पूछे आपसे कोई भी बंदा, किसी भी मजहब का, किसी भी तरह का इंसान हो, वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाए, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखे, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे? ऐसे ही है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास शॉर्टफॉल है ना। पाकिस्तान की, कल मैंने आपसे अर्ज की थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 60 लाख से हर साल बढ़ रही है, लेकिन वसाइल इतने नहीं है, वसाइल खत्म होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल रहेगा। समझ आ गई बात की? और ये शॉर्टफॉल रहना ही रहना, ये नहीं पूरा होना। स्टॉकिस्ट क्या वर्ड है? स्टॉकिस्ट वो किस कैटेगरी? वो तो प्राइवेट गुड है, वो तो करप्शन है सारी की सारी। आगे चल के पढ़ेंगे उसके ऊपर फतवा है, वो हराम है। आगे चल के ना इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आएगा, उसमें प्रॉपर ये चीज़ें पढ़ाऊंगा कि कारोबार किस तरह ठीक चल सकता है और किस तरह नहीं। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरिट गुड क्या होते हैं भाई? बस सिंपल सी बात है, हर वो चीज मेरिट गुड होती है जिसका फायदा हो आपको भी और दूसरों को भी। ये क्या गुड हुआ? कोई आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो,
हाँ, आपको भी फायदा है, दूसरों को भी फायदा है, मेरिट गुड है। हाँ बिल्कुल, हो सकते हैं मेरिट गुड, हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस वो वाले नहीं जो धुआं देते हैं। फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है ना, तो वो फैक्ट्री में काम करने वालों को भी खराब कर रहा है और लोगों, इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है। इसी तरह एक फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी लोग काम करते हैं और वो वाटर पोल्यूट कर रही है, वाटर को कंटेमिनेट कर रही है, वाटर पोल्यूशन हो रही है, तो वो भी इसमें आएगा, वो डीमेरिट गुड होगा। कौन सा? यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है? जब हम गुड को मैन्युफैक्चर करें तब इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो, और जब उस गुड को इस्तेमाल करें तब भी इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो, वो मेरिट गुड है। अब कौन कौन से गुड्स हैं ये वाले? अम्मा घर में किचन में कुछ भी पका रही है, वो मेरिट गुड है या डीमेरिट है? कैसे? उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी किसी का सांस खराब नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होती, ऐसे ही है, और उसको खाने से भी आपकी तबीयत खराब नहीं होती। वो रेस्टोरेंट्स जो बारबेक्यू करते हैं, करते हैं ना बारबेक्यू, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है। होती है कि नहीं भाई? कोयले जलते हैं अभी, वो वैसे भी बड़ी ईद आ रही है, तो आप लोग भी अपने अपने इलाकों में बारबेक्यू कर रहे होंगे, रात को करते हो बारबेक्यू, तो उससे एयर पोल्यूट होती है, तो वो डीमेरिट हो जाएगा क्योंकि उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। क्या होगी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ गुड्स हैव द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इस्तेमाल करने वाले पे भी और एनवायरनमेंट पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट मेरिट है या डीमेरिट है? लोग मेरिट गुड ज्यादा खाना चाहते हैं या डीमेरिट? डीमेरिट। समझ आ गई बात की? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं जी। तो हमें डीमेरिट की भी समझ आ गई है, प्राइवेट गुड की भी समझ आ गई है। क्या होता है प्राइवेट गुड? जो मेरे, अगर मैं खरीद लूं और मेरे इस्तेमाल से आपके लिए उसमें कमी वाकया हो जाए, ठीक है, ऐसा ही है, और मैं आपको मना भी कर सकूं कि भाई जब यहां से भाग जाओ, फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्री गुड। फ्री गुड क्या हुआ? ऐसा गुड जो गॉड मेड है, आपको खरीद के इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे किसी दरख्त के ऊपर सेब लगा होता है, मैं तोड़ के खा जाता हूँ, आम लगे होते हैं, मैं तोड़ के खा जाता हूँ, वो कौन सा गुड होगा? फ्री गुड होगा। हाँ, फिर प्रॉब्लम है, मेरे घर पे लगा हुआ है तो आप तोड़ के तो देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे वाकई मेरे घर पे लगे हुए आम और जामुन के दरख्त, अब जामुन पकने वाला है तो बाहर से पत्थर आते हैं, वो कोई भी बच्चे गुजर रहे होते हैं ना, तो वो बाहर से पत्थर या जूते मारते हैं जामुन नीचे गिरने के लिए। काफ़ी, बहुत बड़ा दरख्त है वो, उसके ऊपर कम से कम भी कुछ 40 किलो के करीब जामुन लगता है हर साल। अभी ये एक दफ़ा, ये मक्खियों का होता है ना बड़ा सा छत्ता, एक माली आता था, मैंने माली को दिखाया, यार ये बहुत बड़ा छत्ता है, और वाकई में वो तकरीबन होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 6 से 7 फुट का होगा, बहुत बड़ा था, और उसके अंदर नजर आ रहा था भाई ये शहद से भरा हुआ है। लो ये, मुझे नहीं पता रात के टाइम माली किन बंदों को लेके आया है, एक ग्रिल तोड़ी है, वो पूरा छत्ता वहां से गया और पता भी नहीं चला कि उन्हें कैसे चोरी किया, हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें भी नहीं आया, पता नहीं उसने उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया था क्या था, लेवल कर गया। नहीं, धुआं देते पता चल जाता है यार, धुआं देते हैं पता चल जाता है उसने कैसे उतारा है छत्ता रातों रात गायब। प्रोफेशनल वो छतों का ही चोर होगा कोई, वाकई में। तो वो प्राइवेट गुड था भाई, वो ले गए आप फ्री समझ के, सही है। हाँ हाँ वो पब्लिक गुड हो गया, वो जो मर्जी ले जाए फिर आके। एक दफ़ा ऐसे ही मैं जा रहा था मेरी खाला के साथ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा यहाँ पे रुको रुको, हम रुके तो एक घर था, उसके बाहर वो कड़ी पत्ता होता है बिरयानी वगैरह में डलता है, वो पौधा लगा हुआ था, तो मेरी खाला तोड़ने लगी हैं उसको, तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा पहले इजाज़त ले लें अंदर से, बुरी बात होती है चोरी में आ जाना, अभी ये तो बंदा बाजार से भी खरीद सकता है, लेकिन बाजार वाले ना ज़रा स्टेल हो जाते हैं क्योंकि टूटे हुए पड़े होते हैं, वो फ्रेश था, तो वो किसी प्रोफेसर साहब का घर था पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बाहर अपने नेम प्लेट के साथ लगाया हुआ था, तो मैंने बेल की, वो बाहर आए, तो मैंने उन्हें कहा सर ये मैं तोड़ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, वो बड़े खुश हुए, कहते यार लोग तो तोड़ के ले जाते हैं, पहले बंदे जिसने इजाज़त मांगी है। जी आपने जो नाइट बुक में लिखा है कि बुक्स और पेन होता
हाँ ये एक है, क्योंकि जब दरख्त काटते हैं तो हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जो कंपनीज हैं वो दरख्त लगा भी रही हैं, बस इस वजह से, क्योंकि बुक का अल्टीमेट फ़ायदा है इंसानों को। बुक का, रजिस्टर का, ये जो आप यूज़ कर रहे हो ये दरख्त है, ये लकड़ी है आपके हाथों में, तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा है। लेकिन वो इसमें अजम्पशन ये होती है कि यार ठीक है वो पीछे दरख्त लगा भी रहे होंगे, नहीं तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा कारोबार ये वाला। तो यहाँ तक कोई और बात जहन में आई हो जो मुझसे डिस्कस करनी हो गुड्स के लिहाज से, ये पेपर में आता होता है। फिर उसके बाद फ्री गुड भी हमारा हो गया, फिर उसके बाद नॉर्मल गुड। पता है नॉर्मल गुड क्या है? जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जब इनकम बढ़े तो हम इसको खरीदते हैं, वो नॉर्मल गुड होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्फीरियर गुड का भी पता चल गया, चल गया पता कि नहीं? ले जी हमारा गुड वाला सेक्शन ख़त्म हुआ। यूं समझ लो अगर गुड्स वाला सेक्शन ख़त्म हुआ तो क्या हुआ? दो नंबर पक्के। कितने नंबर पक्के? ये तकरीबन पेपर में आता है, तकरीबन ये पेपर में आता है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं जी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड यूज़ करूँगा। अच्छा आपने मैन्युफैक्चरिंग देखी होगी, अभी हमने जितने भी गुड्स के नाम लिए, वो पब्लिक गुड हो, वो मेरिट गुड हो, डी मेरिट गुड हो, ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं सिवाय फ्री गुड के, ऐसे ही है ना? ये सब के सब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सिवाय फ्री गुड के, फ्री गुड मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, आपकी एक्सेस होती है, आप उनको फ्री में खा सकते हो। गांव साइड पे चले जाओ, अगर आप मछली पकड़ रहे हो वो फ्री गुड है कि नहीं? फ्री गुड होगा क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर बोट लेकर, रॉड लेकर, नेट लेकर समंदर में जाके मछली पकड़ी है तो फिर वो क्या है? अच्छा इसके ऊपर प्रॉब्लम है, कुछ लोग इसको फ्री गुड भी कहते हैं और कुछ लोग इसको मेरिट गुड भी कहते हैं, ठीक है। फ्री कैसे है? कि वही गॉड मेड है ना, आपने कौन सा उसको पकड़ने में कोई आपकी पैसे लगे हैं। लेकिन मेरिट कैसे है? कि भाई कश्ती खरीदी है आपने, बेशक आपको उसको पैदा करने में, उगाने में पैसे नहीं लगे, लेकिन कश्ती खरीदी, नेट खरीदा, रॉड्स खरीदे, वहाँ तक पेट्रोल जला के गए और पकड़ के लेके आए, तो ये तो प्रॉब्लम रही ना। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम क्लास में ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर चिल सीन में है, वो ज़्यादा इसमें से नहीं पूछता ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस को। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? हमारे सामने ना तीन किस्म की इंडस्ट्री होती है, हमारे सामने तीन किस्म के बिजनेसेस होते हैं या इंडस्ट्री होती है। नंबर वन हमारे सामने है प्राइमरी सेक्टर, पढ़े हुए हैं किसी ने ये? नंबर टू हमारे सामने है सेकेंडरी, और नंबर थ्री टर्शरी। अब बेसिकली ये होते क्या है, आई थिंक टर्शरी के स्पेलिंग गलत है। अब बेसिकली ये होते क्या है, हर वो चीज जो जमीन से निकली हो और अल्लाह की तरफ से हो उसको प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? हर वो चीज जो जमीन से निकली हो और अल्लाह की तरफ से हो उसको क्या कहेंगे? जैसा कि मछली प्राइमरी सेक्टर है, गाय प्राइमरी सेक्टर है, गाय से मैंने क्या लेना है? दूध ही लेना है ना, तो दूध का कारोबार क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। खाद का कारोबार प्राइमरी सेक्टर। ये इजनास का कारोबार, इजनास मतलब गल्ला मंडी में जो काम होता है, माइंस प्राइमरी सेक्टर है, और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर है, वो भी प्राइमरी सेक्टर है, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर है, और ऑयल ड्रिलिंग प्राइमरी सेक्टर है, और बस तकरीबन यही है। अब इनमें क्या होता है, इनमें हमें कभी मशीन की ज़रूरत भी पड़ती है, कभी लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन ये होता गॉड मेड है, ये ह्यूमन मेड नहीं होता। प्राइमरी सेक्टर हमेशा हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, उनका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर।
اب سیکنڈری سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ مشینز ہوتی ہیں, جن کو انڈسٹری کہتے ہیں. را مٹیریل کو ہم لیتے ہیں پرائمری سیکٹر سے, اس کے اوپر مشین لگاتے ہیں, لیبر لگاتے ہیں. جیسے آپ مثال لے لو, آپ کی والدہ ہیں, آپ نے گھر جانا ہے ابھی, تو وہ آپ کے لیے کیا ڈش پکائیں گی؟ گھر جاؤ گے, بریانی پکائیں گی. ٹھیک ہے, اب بریانی کے لیے را مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ چاول ہوں گے, ٹھیک ہے, پرائمری سیکٹر ہے. چکن ہوگا, پرائمری سیکٹر ہے. اس کے اندر یہ پیاز ٹماٹر وغیرہ ڈلیں گے, پرائمری سیکٹر ہے. ایسا ہی ہے نا. اب پرائمری سیکٹر سے اماں نے چیزیں لائیں, اب اماں کو کیا چاہیے؟ اسٹوو چاہیے, چولہا, دیگچی چاہیے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اماں پروسیس کرنا شروع کرتی ہیں. دیگچی اٹ سیلف ایک مشین ٹائپ چیز ہے, اسٹوو ایک مشین ٹائپ چیز ہے. تو اماں پروسیس کریں گی, اس کے اندر سارا را مٹیریل ایڈ کریں گی, اپنی ریسیپی ایڈ کریں گی, اور آپ کے لیے الٹیمیٹلی کیا بن جائے گی؟ بریانی بن جائے گی. مینوفیکچرنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. کپاس سے دھاگا بنا, دھاگے سے کپڑا بنا, کپڑے سے کپڑا میں نے کٹوا کے درزی کو دیا, درزی نے یہ بنا دیا. تو دنیا میں ہر چیز, جیسے یہ پلاسٹک ہے, اس کا بنا ہوا اندر, اس کے آئرن کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, کاپر کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, اور اے سی آپ کے سامنے بنا پڑا ہوا ہے. ہر چیز کا را مٹیریل پرائمری سیکٹر سے آتا ہے, اور وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ سیکنڈری. سیکنڈری سیکٹر میں وہ ہوتا ہے مینوفیکچر, اور آپ کے سامنے فنش گڈ تیار ہوتا ہے. کون سا گڈ؟ فنش گڈ. فنش گڈ وہ گڈ ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو فوراً. فنش گڈ وہ گڈ ہوتا ہے جس کو آپ فوراً تیار کر سکتے ہو. یہ مارکر فنش گڈ ہے. سیل فون آپ کے فنش گڈ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آئرن اور جی, ہاں ہاں فنش گڈ کہہ سکتے ہو. ہاں تو وہ ملٹیپل چیزیں بن سکتی ہیں, ملٹیپل چیزیں بن سکتی ہیں. ہاں ہاں ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھو سیب فنش گڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو پیور پرائمری ہے. اگر ملک شیک بنائیں تو پھر وہ اس کا را مٹیریل ہوگا. ایک سیکٹر کا فنش گڈ دوسرے سیکٹر کا را مٹیریل ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک سیکٹر کا فنش گڈ دوسرے سیکٹر کا را مٹیریل ہو سکتا ہے. کلیئر ہے؟ شوارمے والا ہے, چکن فنش گڈ ہے نہیں ہے؟ چکن کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, خالی مرغی یہاں پڑی ہے یا مرغا ہے, میں کیا کر لوں گا اس کے, کھیلوں گا اس کے ساتھ؟ نہیں, یخنی بنانی ہے تو پھر را مٹیریل ہو گیا نا, فنش تو نہیں ہے. تو کچھ چیزیں فنش, سیب فنش ہوتا ہے, کیلا توڑ لو فنش ہے, آم توڑ لو وہ فنش ہے, ایسا ہی ہے نا. اس کے اوپر فردر پروسیس نہیں کرنا. لیکن چکن ہے, بکرا ہے, گائے ہے, ہاں گائے دودھ کی حد تک تو فنش ہے, لیکن اگر گوشت کی حد تک آئے تو سیمی فنش بھی نہیں ہے, وہ تو را میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو ایک سیکٹر کا فنش گڈ دوسرے سیکٹر کا را مٹیریل ہو سکتا ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے نیچر کے اوپر, پروڈکٹ کی نیچر کے اوپر. بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ایسے ہی تخمینہ لگا کے ہر چیز کو ایک اسٹینڈرڈ میں نہیں لے کے آ سکتے کہ بس یہ فنش ہو گیا, یہ را مٹیریل ہو گیا, دیٹس اٹ. ایسے نہیں ہوگا. اکنامکس میں رولز نہیں ہوتے ہیں, اکنامکس میں سجیشنز ہوتی ہیں. ان سجیشنز کی بنیاد پہ آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں. پھر آتا ہے ٹرشری. ٹرشری کو کہتے ہیں سروس سیکٹر. اب سروس سیکٹر میں کیا آتا ہے؟ جیسے کل میں نے بتایا تھا, باربر, گروسری سٹور, سینما ہال, ٹھیک ہے, کرسنٹ کالج. میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, سروس ہی پرووائڈ کر رہا ہوں. تو یہ کس سیکٹر میں آئے گا؟ ٹرشری. شاپنگ کس سینٹر, شاپنگ مالس کس سیکٹر میں آئیں گے؟ ٹرشری سیکٹر میں. آپ ایک روڈ سائڈ پہ جا رہے ہو, وہاں پہ دیکھتے ہو یار وہ رو والا بندہ کھڑا ہے, رو ہوتا ہے نا گنے کا جوس, وہ والا بندہ کھڑا ہے. تو آپ سائڈ پہ بائک روک لیتے ہو, گرمی بڑی سخت ہے, اسے کہتے ہو یار ایک گلاس جوس نکال دو, وہ نکال کے آپ کو دے دیتا ہے. وہ کون سا سیکٹر ہوا؟ وہ دونوں ہیں, وہ سیکنڈری کم ٹرشری ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکنڈری میں اس نے مینوفیکچرنگ کی, ٹھیک ہے, اور ٹرشری میں اس نے آپ کو سروس پرووائڈ کی. تو ایسی کھانے پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں, درزی کو دیکھ لو, اگر درزی اپنا کپڑا استعمال کر کے آپ کو بنا دیتا ہے تو وہ بھی سیکنڈری کم ٹرشری ہے.
ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक चीज़ मैन्युफैक्चर भी हो और आपको डिलीवर भी कर दी जाए, वो सेकेंडरी कम टर्शरी होते हैं। बात याद रहेगी। अब इन सभी चीज़ों को बनाने में हमें क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाने के लिए मुझे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ, नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। हर चीज को, इसको ऐसे कर रहे थे, हर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे चार चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हर चीज को बनाने के लिए मुझे कितनी चीजों का सहारा लेना पड़ता है? चार। क्या क्या हो सकती है? ये तो पहले पढ़ा हुआ है ना आपने, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ओवरऑल। बेटा रोटी पकाने में कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए? बच्चे ये आपका अबाया बना हुआ है, इसके लिए तो नहीं चाहिए ना ये जो आप नाम ले रही हैं। पहले रॉ मटेरियल होगा, फिर रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर लगेगी मशीन के साथ, ऐसा ही है, तैयार होगी चीज। तकरीबन दुनिया में हर चीज ऐसी तैयार हो रही है, ऐसा ही है। कोई और चीज बताओ जो इसके बगैर तैयार हो रही है। वो भी ऐसी बनते हैं, रोबोट को भी तो कोई बना ही रहा है ना। हाँ, तो वो भी रॉ मटेरियल को, लेबर तो रोबोट खुद कर रहा होता है, लेकिन रोबोट को फंक्शनैलिटी देनी है तो वो लेबर में आ गई। रोबोट मशीन है एक। दुनिया में हर चीज ये चार चीजों से मिलके बनती है, और वो चार चीजें क्या है? सबसे पहले लैंड है। अब लैंड किसको कहेंगे भी बताता हूं। फिर क्या है? लेबर। फिर क्या है? कैपिटल। और फिर क्या है? फर्म। दुनिया में जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हुई इन चार चीजों से मिलके हुई। अब लैंड क्या चीज होगी भाई? गॉड मेड रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल लैंड को कहेंगे। गॉड मेड रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल किसको कहेंगे? लैंड को। नहीं नहीं चारों का इस्तेमाल होना जरूरी है, होता ही है, इसके बगैर बन ही नहीं सकता। कोई एग्जांपल दो। क्या ले लें? दरख्त उगाओ, बीज चाहिए ना, तो बीज रॉ मटेरियल गॉड मेड है। फिर उसके लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए, बीज डालोगे उसके ऊपर, लेबर लगेगी, खोदोगे ना पहले, फिर उसमें बीज डालोगे, फिर उसको पानी दोगे डेली। फिश, हाँ फिश को पकड़ने के लिए आपको चार फैक्टर लग रहे हैं, ठीक है। लकड़ी की बोट, फिर उसके बाद लेबर जो बोट को उस इलाके में लेके जाएगी जहाँ पे मछली होगी। नेट चाहिए होगा, नेट फेंकेंगे मछली उसमें फंसेगी, ठीक है। क्लियर हुई बात? कोई भी कारोबार करना हो, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना हो, तो ये चार चीजें लगेंगी। लैंड मतलब गॉड मेड रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स? कैपिटल मतलब मैन मेड रिसोर्स। अब मैन मेड रिसोर्स कौन सा होता है? मशीन्स, बिल्डिंग्स। गॉड मेड ना, इस बिल्डिंग की लैंड थी जिस पे ये खड़ी है, लेकिन उसके बाद इंसान ने इस बिल्डिंग को बनाया, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। और फिर उसके बाद लेबर क्या चीज होती है? लेबर को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसको स्किल कहा जाता है। मैं यहां पे कौन सा काम कर रहा हूं? लेबर का, ठीक है। ये एजुकेटेड भी हो सकती है और अनएजुकेटेड भी। ये स्किल्ड भी हो सकती है और अनस्किल्ड भी हो सकती है। समझ आ गई बात की? फिर आती है फर्म। फर्म वो बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो पैसा लगाता है कारोबार में और इन तीनों रिसोर्सेस को मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योर,
किसी भी कारोबार का मालिक, मैंने सोचा, मैंने ये टीचिंग वाली जॉब छोड़ दी, मैंने सोचा क्रिसेंट में अच्छे खासे बच्चे हैं, मैं ना क्रिसेंट के बाहर ना फ्राइज़ की रेडी लगा लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 1,00,000 रुपया था, तो मैंने एक कार्ड ख़रीदी, 10, 20, 25, 30 हज़ार की आ गई कबाड़िए से, ओवन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़रीदी, 80,000 रुपया लग गया मेरा। और फिर मैंने मंडी गया, आलू लेके आया, तो आलू क्या हुए, लैंड हो गया, ऐसा ही है। वो लकड़ी की जो काट है वो क्या हुई, कैपिटल, मैनमेड रिसोर्स है ना। ओवन ख़रीदे, ओवन क्या हुए, कैपिटल, मैनमेड रिसोर्स है। फिर उसके बाद मैंने आलू को काटा, कॉलेज के सामने लेके आ गया, वो क्या हुआ, लेबर। तो देखो यहाँ पे लेबर भी मैं ही हूँ और एंटरप्रेन्योर भी मैं ही हूँ, इनको रिस्क मैंने लिया ना मैनेज करने का, नुकसान हुआ किसे होगा, मुझे होगा। तो यहाँ पे दो काम मैं कर रहा हूँ, एक फर्म वाला काम और एक लेबर वाला काम। दुनिया में सारे कारोबार ऐसे ही स्टार्ट होते हैं जी। नहीं नहीं लकड़ी तो मैंने नहीं ली, मैंने तो काट ली है ना, रेडी बनी हुई ली है मैंने। अगर रेडी को बनाने के लिए ठीक है, आज चल रहा है ये नईम साहब, सर मैं कह रहा हूँ ये सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बेहतर हो गया, आज वो कल वाला इन्वायरमेंट नहीं है, सफोकेशन नहीं है ना क्लास में, इन सब इजी बैठे हुए, फिर गर्मी होने का वेट कर लेते हैं गर्मी होने का सर वेट करते हैं, फिर कोई 40, 45 या 90 तक चला जाए तो सही है फिर। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फर्क होता है क्या? इकोनॉमिक्स में दोनों सेम है, आई टू बी में डिफरेंट है, या आपने मुझे आई टू बी वाली डेफिनेशन सुनाई है, ठीक है। मॉडर्न साइंसेज में जो मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेज हैं, जो कि अब दूसरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, उसमें यही है कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो न्यू आइडिया के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो पहले आइडिया मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, और बिजनेसमैन वो बंदा होता है जो आइडिया पे काम करके सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आए हमें, वो वाले पक्की बात है, चलें जी। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहले है लैंड। लैंड किसे कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज को। हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई है वो लैंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लैंड कहलाएगी। और लैंड में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, सच एज मेटल, मिनरल एंड ऑयल, ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मैं मार्केट में गया, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीद के पैसे पे किए, इकोनॉमिक्स में उसको रेंट कहा जाता है। बात को मेरी गौर से सुनो, मैं मार्केट में गया, मैंने लैंड ख़रीदी, लैंड क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल, और उसके इवज़ मैंने पैसे पे किए, वो पैसे क्या कहलाएंगे, रेंट। क्या कहलाएंगे? रेंट। मैं मंडी में गया, मैंने फ्राइज़ के लिए 50 किलो आलू ख़रीदे, तो वो मुझे फ्री में देगा आलू, पैसे लेगा ना मुझसे, तो मैं उसको इकोनॉमिक्स की रूह से क्या कहूँगा, रेंट पे किया मैंने। क्या पे किया? रेंट पे किया। बात याद रहेगी। तो लैंड का रिवॉर्ड क्या हुआ? रेंट। लैंड का रिवॉर्ड क्या हुआ? रेंट। यार हमें कल माइक सही करवा देंगे यार, ठीक है, मेरी आगे गला भी ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है यार, इससे क्या अच्छा, सनलाइट से क्या प्रोड्यूस करते हो, कहाँ, सोलर के लिए आपको बैटरी चाहिए होती है मेरे भाई, बैटरी स्कार्स है इटसेल्फ। हाँ तो एयर कितनी यूज होती है, उसको भी फिल्टर किया जाता है, एयर स्कार्स है, क्यों नहीं है, एयर पोल्यूट हो जाए, पोल्यूटेड एयर की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, दुनिया में हर चीज स्कार्स है, सनशाइन तक स्कार्स है भाई, ओजोन लेयर उसको रैप्चर हो गई ओजोन लेयर, तो सनशाइन का क्या करना है आप लोगों ने, ओजोन लेयर है तो सनशाइन है ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं बनाई है जो स्कार्स नहीं है। हाँ अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिए उसकी स्कार्सिटी का मॉडल चेंज किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं माजरा चाहता हूँ अगर आपका थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दफ़ा बहस भी हो गई थी, मौलाना कहते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये जो बात क्लास में कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह ने हर चीज़ अनलिमिटेड बनाई है, तो ऐसा नहीं है,
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کلیئرلی فرمایا جب تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو میں تم سے ہر چیز کا کیا لوں گا؟ حساب. تو حساب اسی چیز کا ہوتا ہے میرے بھائی جو لمٹ میں ہوتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ہیں, پانی کی مثال لے لو, پانی ختم ہو رہا ہے دنیا سے, اللہ نے بنایا نا. سنشائن آسٹریلیا کا پتہ ہے آپ کو؟ آسٹریلیا میں اوزون لیئر بہت تھن ہے, بہت زیادہ تھن ہے, اور وہاں پہ جو گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ ہارش ہوتی ہے. یہ والی گرمی نہیں ہے وہاں پہ, ہاں بہت زیادہ ہے وہاں پہ اسکن کینسر کا اوزون لیئر کی وجہ سے. انٹارکٹیکا میں تو سورج ہی نہیں نکلتا میرے بھائی. ڈیمیج وہاں پہ تو سردی بہت زیادہ ہے, ہاں اس کی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. اللہ پاک نے بغیر ویلیو کے کوئی چیز کو پیدا نہیں فرمایا. سمجھ آئی بات کی؟ اور اسی چیز کا تو حساب لینا ہے کہ میرے ساتھ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس پانی ہے, یا تو میں ان دو بندوں کے لیے تھوڑا سا پانی یوز کر کے چھوڑ دوں یا میں نہا لوں. اگر میں نے ان دو بندوں کے لیے پانی کو چھوڑ دیا تو ثواب ہوگا مجھے؟ کیسے ثواب ہوگا؟ دعا دیں گے, ان کے استعمال میں آئے گی. بے شک دعا نہ دیں لیکن میری نیت تو ہے نا کہ یہ دونوں استعمال کر لیں. اور اگر میں نے نہا لیا تو گناہ ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا, میرا پانی تھا میں جو مرضی کرتا. تو یہ ہے, اللہ رب العزت خوش ہوں گے کہ میں نے سیکریفائس کیا. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے ریسورسز بنایا کہ تم آگے آنے والی قوموں کے لیے کتنا کوئی ریسورس چھوڑ کے جاتے ہو. آپ میں سے کئی لڑکے لڑکیاں ہوں گے ہاسٹل میں یا گھر میں بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہوں گے. سمپل, وضو کرنے وقت مسلمان لوگ بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں, دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور پھر اوپر کر کے یہ کر رہے ہوتے ہیں, پانی ٹوٹی اسپیڈ سے کھلی رہتی ہے, ٹیپ آن رہتا ہے. برش کرتے وقت کئی لوگ ٹیپ آن کر کے برش کر رہے ہوتے ہیں, پانی گر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو سب نوٹ ہو رہا ہے اوپر بھائی. روٹی آدھی کھائی آدھی پھینک دی. شادی بیاہوں پہ جا کے کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ تو اللہ نوٹ تو فرما رہے ہیں, سب کچھ فرما رہے ہیں اللہ پاک نوٹ. آپ کو بھی کلیئرلی پتا ہے گھر میں ایسے سالے نہیں ضائع کرو گے, امی جوتے مارے گی سر میں. ہم دیکھو نا کتنا انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. اگر میں کسی کی شادی پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ جا کے ضائع کر رہا ہوں کھانا, کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ کیوں میری اماں کا نہیں ہے؟ گھر میں اماں نے پکایا ہوتا تو میں ضائع کرتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھنڈا پانی نہ ہو, گلاس میں آدھا پانی اویلیبل ہے, آپ گرا دو گے اس کو. یہ سب ریسورسز کا ویسٹیج ہے, سب کا سب ریسورسز کا ویسٹیج ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کے ہاسٹلز ہیں. آپ کے سامنے دیکھو آپ لوگ ہاسٹل میں کیا کیا کرتے ہو. یہ دیکھو اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں, انک وغیرہ لکھا ہوا ہے. یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں ان کی, آپ کی پراپرٹی نہیں ہے یہ. آپ نے صرف آنا ہے یہاں پہ بیٹھنا ہے, اس کو خراب کرنے کی آپ کے نہیں ہے, نہیں کر سکتے آپ خراب. پھر بھی خراب ہے, پڑھے لکھے لوگ خراب کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ خراب کر رہے ہیں بھائی. تو سمپل ہے, یہی ہو رہا ہے, جو کہ بہت غیر مناسب بات ہے. یہ بیسک ہیومینٹی ہے جو ہمارے اندر مسنگ ہے. دیواروں پہ لوگ لکھ دیتے ہیں کیونکہ اپنی نہیں ہے. گھر میں نہیں لکھیں گے, گھر میں پنکھا بھی پراپر بند کریں گے, لائٹس بھی بند کریں گے, پانی نہیں ویسٹ ہونے دیں گے. لیکن جیسے ہی ہم دوسروں کی پراپرٹی میں جائیں گے سب کچھ کریں گے. تو یہ تو حساب اللہ رب العزت نے لینا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ہر چیز کو سکارس کیا ہوا ہے. شاید, مجھے نہیں پتا, 100% تو نہیں پتا, لیکن انسانیت یہی ہے. اور یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, سخت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کی پراپرٹی کو خراب نہیں کر سکتے. آپ تو بائک کو بہت اسپیڈ سے روڈ پہ نہیں چلا سکتے آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہو. اگر آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر بھی پرابلم ہے. گاڑی میں اونچے آواز میں گانے لگانا بھی پرابلم ہے. اگر آپ کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو پرابلم ہے, گناہ ہو گیا آپ سے. آپ اپنے روم میں بیٹھ کے اونچی اونچی بول رہے ہو, میرا ساتھ گھر ہے مجھے آواز آ رہی ہے, تو پرابلم ہے. یہ اسلام کے بیسک فنڈامنٹل بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہم جن سے منحرف ہیں. اور ہم وہ سب کام کریں گے, شور بھی مچائیں گے. شادیاں ہوتی ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, پورے محلے کو جگا کے رکھتے ہیں. اس کا بڑا بہترین حساب کتاب ہونے والا ہے. شادی میں وہاں پہ اونچے گانے لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ وہ اگر سائیڈ والے سارے لوگوں کی رضامندی ہو تو خیر ہے,
क्योंकि वो लड़की वाले या लड़के वाले इतने रिच नहीं होंगे कि मैरिज हॉल में कर सकें, चलो अपने मोहल्ले में कर लो, ये अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल है। सारे रजामंद हो ना कि ठीक है यार तो गली में कर ले, कोई बात नहीं है, मेहमान ही बिठाने हैं, तो वो अल्लाह खुश होंगे बल्कि कि आपने सेक्रीफाइस किया अपने हमसाए की खातिर। हाँ लेकिन ये नहीं हमसाया वहाँ पर डांस करने शुरू कर दे, डेक लगा के सारी रात भी नाचता रहे और दूसरों को भी नचाता रहे, ये नहीं। अगर आप एज अ नेबर सेक्रीफाइस करते हो, यार आप मेरे घर में ग्राउंड है, आप मेरे घर में तकरीब कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश होंगे। लेकिन वो आके आपके घर में डेक लगा दे, आपके वॉशरूम गंदे कर दे, चीज़ें तोड़ के चले जाए, आपके पौधे ख़राब करके चला जाए, तो फिर काम ख़राब होगा। आपसे तो अल्लाह खुश होंगे लेकिन उस बंदे से काम ख़राब हो गया। ये कायनात वैसे ही है जैसे आपका अपना पर्सनल कोई गैजेट है और आपने उसको संभाल के रखना पड़ा, नहीं तो हर चीज़ का सवाल है आप लोगों से। जितना पानी वेस्ट करोगे नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, जितना खाना ज़ाया कर रहे हो नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, जितनी फजूल बिजली ज़ाया कर रहे हो नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, उतना ही हिसाब किताब बढ़ेगा आपका। हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि बुरी चीज़ देख लेना, गालियाँ निकाल लेना, ये गुनाह है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ चल रही हैं और हम इनको इग्नोर करते हैं, सिंपल हम इनको इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, ऐसा ही है, सफाई निसफ ईमान है मुसलमानों का, यही है ना। मस्जिदों के वॉशरूम देखो, आप और मैं ही जाते हैं वहाँ पे। मैंने 3 साल एक जगह पे गुजारे एक मस्जिद में, तो उसके वॉशरूम वगैरह मैं धोया करता था, तब मुझे जाके एहसास हुआ कि हम लोग किस किस्म के लोग। आप वजू करने जाते हो, सबसे गलीज जगह कौन सी होती है जहाँ पे बैठ के वजू कर रहे होते हैं? गंदे मंदे पाँव होते हैं, किसी को तौफीक ही नहीं होती पाँव धो के अपने नीचे से साफ कर ले, निशान पड़े होते हैं ना गलाजत के। ना तो ये मस्जिद में चले जाओ, देख लो जाके, यार मैं भी जाता हूँ यहाँ पे। तो ये सब अल्लाह के यहाँ नोटेबल है, आपने उस चीज़ को साफ रखने रखी नहीं रहे। और बॉयज़ जाते हैं, लड़कियाँ तो जाती नहीं हैं वहाँ पे, ऐसा ही है, मसवाक करके वहीं पे मसवाक को साइड पे डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हो यार, डस्टबिन करो उसको, बस वो कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक मुसलमान को दूर कर रही हैं अपने आप से ही। सबसे ज़्यादा मस्जिद में पानी ज़ाया हो रहा होता है, नहीं होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग कभी तबलीगी जमात के मरकज़ में जाइएगा, रेवरेंड कभी गए हो, कोई आप में से गया? आप गए हो वहाँ पे ना, एक एक फ्लोर पे कोई तकरीबन 100 100 के करीब वॉशरूम्स हैं भाई साहब, आपको एक वॉशरूम भी गंदा नहीं मिलेगा, नीट एंड क्लीन, सारे के सारे वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन, कोई उसमें वो नहीं होगी मैल कुचैल। और वहाँ पे वॉलंटरीली लोग रहे हैं जो वॉशरूम साफ करते हैं, खुद ही ड्यूटी लगवाते हैं, आज मेरी वॉशरूम पे ड्यूटी लगवा दे। मैं इतना इंप्रेस हुआ वहाँ पे जाके, वहाँ पे आपका जूता कोई नहीं उठाएगा, वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं, जहाँ मर्जी अपनी वो बिस्तर वगैरह डाल के सो जाओ, कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा वहाँ पे। लेकिन हम जैसे ये छोटे छोटी जगहों पे जाते हैं, यहाँ पे तो बड़ी तकलीफ दे अमल होता है। तो बताने की बात क्या थी कि जब हम नेचुरल रिसोर्स को इस तरह बेदरेग यूज़ करेंगे, मेरे बेदरेग से आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, समझ आई बात की? फिर उसके बाद लेबर आती है, लेबर क्या चीज़ होती है? ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को यूज़ करना। लेबर का रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? वेज, तनख्वाह, तनख्वाह को वेज कहते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मुझे मिल रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? वेज। बात समझ में आ रही है? बस आज आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। ऑनलाइन वालों अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कल मिलेंगे आपसे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।